आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हैप्पी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के ताजा मौसम की जानकारी के बारे में। तो ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिला है, मगर फरवरी के दूसरे सप्ताह से राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान लगातार डबल डिजिट में है। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश में इस बार भीषण गर्मी पड़ी। राजधानी भोपाल में रात का तापमान 15 डिग्री और 30 डिग्री दिन का तापमान इसके आसपास रहा और मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में रात का तापमान जो है इसमें फरवरी के दूसरे पखवाड़े में दोगुना ही हो गया है। और इस बदलाव के बाद भोपाल में लोगों को रात में पंखे की जरूरत पड़ने लगी है। जी हाँ, मौसम विभाग की जलवायु विशेषता के अनुसार फरवरी में भोपाल में औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जो 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं फरवरी में भोपाल का औसत न्यूनतम तापमान आमतौर पर महीने के अंत तक 10 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। भोपाल मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम के लिए ओडिशा और पड़ोस पर एक चक्रवाती परिसंचरण और मराठवाड़ा पर दूसरा चक्रवाती परिसंचरण है और इस सिस्टम से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। और जबकि भोपाल में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं मंगलवार को भोपाल में दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर में रात का तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहां राजधानी भोपाल का पहुंचाना। अब इसके साथ ही मालवा निमाड़ इलाके में भी इस बार भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मार्च से मई तक इंदौर संभाग और इसके आसपास के क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान सामान्य से बढ़े हुए रहेंगे। लू के दिन भी पिछले दिनों की तुलना में अधिक रहने की संभावना है। तो ये थी मध्य प्रदेश की ताजा मौसम की जानकारी। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।